जिसमें विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, बजट सत्र आज से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा, यानी 10 दिन का ये सत्र है और इसमें 8 बैठकें प्रस्तावित हैं। मध्यम गति से ये कारवा अब आगे बढ़ रहा है नए संसद भवन की तरफ। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में विजय चौक से ये मुड़ता हुआ काफिला नए संसद भवन की तरफ। साथ ही उनके साथ सैन्य सचिव, उप सैन्य सचिव, भारत का लोकतंत्र जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और खासतौर से उसी लोकतंत्र के मंदिर की जब हम बात करते हैं, नया संसद भवन। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो संविधान सदन है उसको भी, और उसी के पास नया संसद भवन भी है जिसका निर्माण किया गया। उसमें आज अभिभाषण, विशेष अभिभाषण होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और ये धीरे धीरे राष्ट्रपति का जो काफिला है आगे की तरफ बढ़ते हुए नए संसद भवन की ओर। राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक जो कि सेना में सबसे पुरानी रेजिमेंट है, वो साथ चलते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये नया संसद भवन जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला बस पहुंचने वाला है, लोकतंत्र का मंदिर और भारत की लोकतांत्रिक आन बान शान का प्रतीक। सत्यमेव जयते इस पर अंकित, उसका जिक्र भी अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने भी किया अपने संबोधन में। फिलहाल राष्ट्रपति का ये काफिला नए संसद भवन की तरफ पहुंचते हुए। इस नए संसद भवन में 6 प्रवेश द्वार हैं। और हर एक द्वार की अगर बात की जाए जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, और उसी पे अब ये काफिला पहुंच रहा है। मकर द्वार, हंस द्वार की बात करें जो कि जल को नमन करते हैं, तो शार्दुल और गरुड़ नभ को नमस्कार करते हैं। वहीं अश्व और गज द्वार थल को प्रणाम यहां करते हैं। संसद भवन परिसर से सीधी तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला जो है वो यहां इस परिसर में
इसके थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी तस्वीरों में नया संसद भवन और उस पर अंकित ये सत्यमेव जयते, जो कि पहचान है, प्रतीक है हमारे देश का भी और कैसे सत्य की विजय का भी। फिलहाल ये काफिला अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचता हुआ इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हालांकि आज कोहरे की वजह से तस्वीरें जो हैं वो आपको नजर आ रही होंगी, किस तरह का प्रभाव मौसम का भी, लेकिन इस बीच भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला अब पहुंच चुका है संसद भवन सर में। उसके बाद कुछ ही देर बाद जो विशेष अभिभाषण है वो होगा। भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक ये